ग्वालियर दक्षिण से कांग्रेस पार्टी के विधायक और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने नगर निगम आयुक्त को बीजेपी का एजेंट बताया है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ग्वालियर नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह की शिकायत की है। उन्होंने नगर निगम आयुक्त को बीजेपी का एजेंट बताया है और ये आरोप लगाते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। विधायक पाठक ने अपने पत्र में लिखा है कि हर्ष सिंह नवरात्र और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों के बाद भी ग्वालियर दक्षिण के प्रमुख मार्गों को अमृत योजना और अन्य योजनाओं के नाम पर खुदवाया जा रहा है, जबकि उक्त क्षेत्र ग्वालियर का प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र है। निगम आयुक्त हर्ष सिंह की इस मनमानी से व्यापारियों, कारोबारियों, दुकानदारों में आक्रोश है। निगम आयुक्त द्वारा ग्वालियर दक्षिण की स्ट्रीट लाइटें, सफाई व्यवस्था को लेकर पूर्व से ही उदासीन होकर जानबूझकर स्थिति बिगाड़ी जा रही है। वर्तमान में भी जानबूझकर शहर की सड़कों को खोदा जा रहा है और जनता को भरे त्योहारों के बीच में परेशान होना पड़ रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने और कांग्रेस पार्टी को नुकसान की दृष्टि से ऐसा किया जा रहा है। नमस्कार, मैं इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह चुनाव का समय है और कोड ऑफ कंडक्ट पूरे मध्य प्रदेश में लग चुका है। ग्वालियर में पदस्थ म्युनिसिपल कमिश्नर हर्ष सिंह के द्वारा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर ग्वालियर में पिछले 8 महीने से काम किया जा रहा है, वो वास्तव में किसी भी IAS अधिकारी के लिए शर्मनाक है। जिस प्रकार की गणेश परिक्रमाएं और नेताओं की चापलूसी उनके द्वारा होती है और आम जनता की कोई सुनवाई नहीं होती है, जहां जहां कांग्रेस के विधायक हैं उनको परेशान किया जाता है, ये किसी भी अधिकारी को शोभा नहीं देता है। वर्तमान में जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, ग्वालियर दक्षिण विधानसभा जो पूर्ण रूप से व्यापारियों का क्षेत्र है, दीपावली का त्यौहार आने वाला है, उनके द्वारा मुख्य मार्गों को अमृत योजना के नाम पर खुदवाया जा रहा है, जिससे कि आम जनता को तकलीफ हो और कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मदद मिले, सरकार को मदद मिले। मैं महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों को, इस प्रकार के ऐसे अधिकारियों को जो किसी एक पार्टी विशेष की गुलामी करते हैं, तुरंत प्रभाव से ग्वालियर से हटाया जाए, जिससे ये चुनाव प्रभावित ना हो सके। धन्यवाद।